अभी आपने सुना ही होगा कि लोग मैनिपुलेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से और बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट क्यों करते हैं इस पे इस वीडियो पे आज बात होगी। एक, उनका काम आसानी से हो जाता है। देखो, बेमानी मैनिपुलेट करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब होता यह है कि बेमानी करने से काम होता जल्दी है, जिसको मैं ऑफकोर्स सपोर्ट नहीं करता, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो काम एक्चुअली ज्यादा कन्वीनियंट कर देता है एज कम्पेयर टू ऑनेस्ट वर्क, अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से ऑनेस्ट वर्क बोझ लगता है लोगों को, काइंड ऑफ फेयर एनफ। इनफैक्ट ईमानदारी से काम करने वाले को लगभग हर जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी भी काम और गलत काम करने वाले, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत बार निकल जाते हैं उन पे आने वाली मुश्किल से। कभी कभी लगता है वो स्कूल में जो कहावत थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके बाद का फॉर एडिंग अप ऑन योर प्रॉब्लम्स साइलेंट होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि गलत काम करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करते, दे डू, बट कभी कभी और मोस्टली वो अपनी जिंदगी मजे से निकाल रहे होते हैं। अगेन, आई डू नॉट सपोर्ट चीटिंग, बट इस स्पीच में सेंस बनाता है कि लोगों को झोल करना, मैनिपुलेट करना काफी टेम्पटिंग क्यों लगता है। नंबर दो, वो इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं। ऐसे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्वभाव से बहुत नरम होते हैं। अभी ऐसे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट या कॉन्फिडेंट होने पे प्रॉब्लम फेस होता है। तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट या कॉन्फिडेंट होना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है, या फिर उनमें आलस होगा, या फिर से मैनिपुलेट करना एक इजी ऑप्शन बन जाता है। अब ऐसे लोग बहुत टाइप की चीजें करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि झूठ बोलना, मीठी बातें करना, बातें घुमाना और बहुत कुछ, ताकि सामने सामने बात करना टाल सके, और साथ में सब इनके हिसाब से भी हो जाता है ऐसे मामले में। फिर होता यह है कि जब इन्हें इस चीज से शॉर्टकट सोल्यूशन मिल जाता है तो वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते और फिर इसी मेथड को अपना लेते हैं। दुख की बात यह है कि यही तरीके के लोग सबसे भले लोगों में से हुआ करते थे, पर दुनियादारी ने उनके सारे अच्छे पे आग लगा दी। तीन, ऐसे लोगों को लगता है कि मैनिपुलेशन समझदारी के बराबर है। अब अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे तो पता चलेगा ये भरोसे करे जाने के लायक नहीं होते। अगर वो किसी दोस्त को या किसी को भी फंसाए, वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने किसी के भरोसे के साथ खेला या फिर उन्होंने कुछ गलती की। वो ये सोचेंगे कि क्या मस्त दिमाग लगा के काम निकलवाया, दैट्स सो स्मार्ट उनके हिसाब से। अगर आपको ऐसा कोई मिले या है पहले से जिंदगी में, जिसके मुंह से लोगों को फंसाना उनके हिसाब से चालाकी या समझदारी का काम है, और वो इस बात पे फ्लेक्स करे, तो समझ जाना उनको बुरा नहीं लगता उस चीज का। उल्टा वो जितना बड़ा स्कैम करेंगे लोगों के साथ, वो उनको उतना ही स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, स्ट्रेटेजिक समझेंगे। और ऐसे लोगों के बिहेवियर में रेड फ्लैग नहीं होता, वो खुद एक रेड फ्लैग होता है। किक देम आउट ऑफ योर पर्सनल लाइफ इफ यू नो एनी। नंबर चार, जरूरतमंद पर अकड़ू भी। अब उसमें कुछ लोगों को बहुत सारी चीजों में मदद चाहिए रहती है, पर फिर उन्हें अपना अकड़ या फिर रुबाव के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, तो वो इस पे भी मैनिपुलेशन का यूज करेंगे। उसमें वो कह के दिखाएंगे कि कैसे तुम उन लोगों के बीच में रहते हो और तुम्हें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, पर तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि इनके जिंदगी में कोई कमी है तो बाकियों को वो पूरा करना ही चाहिए, जैसे वो उनका काम ही हो।